Tools of biotechnology में we have done enzymes. Enzymes में मैंने आपको बताया था chitinases, then another is cellulases, then there is also present lysozyme for isolation of DNA from donor cell. Then second आ जाता है nucleases. Nucleases में mainly for cutting of DNA. Nucleases are of two types. Exonucleases एंडोन्यूक्लियेसेस. मैं ये थोड़ा सा एडवाइस ही करवा रही हूँ, आपने किया हुआ है. एक्सोन्यूक्लियेसेस ये तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, इनके एक एक करके सेपरेट करना न्यूक्लियोटाइड्स को. सो एक्सोन्यूक्लियेसेस विच कट डीएनए फ्रॉम एंड्स. Endonucleases, which cut DNA at any place in between, बीच में से कहीं से भी काटती, but restriction endonuclease जो specific point से काटता है, which cuts the DNA at specific regions. उन regions को क्या बोलते हैं? Palindromic regions. ठीक है? So that are restriction endonucleases, also called as molecular scissors. Or मैम, हाँ जी बेटा, ये आप रिवाइज करवा रहे हो? हाँ, आप देख लो पिछला कि अगर कुछ बचा हुआ है तो लिख लेना. ठीक है, अदरवाइज ये रिवीजन ही है मेरा, मतलब फटाफट से ताकि पॉइंट्स जिन्होंने नहीं भी अटेंड की क्लास उन्हें पता हो. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या मॉलिक्यूलर सीजर्स या मॉलिक्यूलर नाइफ, दीज कट द डीएनए एट स्पेसिफिक रीजन called as restriction sites. GAATTC. GAATTC. तो अगर आप देखते हो ये पूरा डीएनए है मॉलिक्यूल, इसमें ये पार्ट डीएनए का, दिस इज पैलिंड्रोमिक. पैलिंड्रोमिक क्या होता है? जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो तो सीक्वेंस सेम होता है इन टू स्ट्रैंड्स. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज सेम, इज सिमिलर इन द टू स्ट्रैंड्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. That is palindromic DNA. So restriction endonuclease, they act at palindromic DNA, and in the palindromic DNA also, if
upset specific point. For example, eco RI cuts between G and A. ठीक है, तो restriction in science इसके बारे में मैंने detailing में आपको बताया. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बताया था कि restriction endonucleases are main enzymes due to which biotechnology or genetic engineering is possible. Then third आ जाता है बेटा DNA ligases. These are, ये लिख लेना, ये point नहीं लिखा होगा, isolated from bacteriophages, viruses में से, कुछ viruses में से ये निकाला गया है. Then they helps in joining of cut DNA fragments. They help in joining of cut DNA fragments. Right? देखो ये. ठीक है जी, तो एंजाइम्स मैंने लिखवाए हैं फॉर डिसॉल्विंग ऑफ सेल वॉल टू आइसोलेट डीएनए. सेकंड है न्यूक्लियेसेस, न्यूक्लियेसेस में मेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. थर्ड है डीएनए लाइगेज और एक चौथा एक और आ जाता है, दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेस. Alkaline phosphatase. It removes phosphate group from one end of cut fragment. जो हमने बेटा ये दो फ्रेगमेंट्स अगर यहां से काटा तो हमें एक ये फ्रेगमेंट मिल गई और एक ये फ्रेगमेंट मिल गई. ठीक है, ये दोनों हमने काटा है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगी. तो हम क्या करेंगे, यहां से और यहां से जो है इसका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव करते. ठीक है, so from the end of one end of cut fragment to prevent rejoining of cut fragments ताकि वो दोबारा से एक दूसरे के साथ join ना कर सके. ठीक है, तो ये function है alkaline phosphatase. ठीक है, जल्दी से, आई होप ये आपने दो एंजाइम्स नहीं लिखे होंगे, ये लिख लो फटाफट से, स्टार डाल के पॉइंट लिखिए. देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, वन टू एंड थ्री. Restriction endonuclease 2 are used in genetic engineering. GE matlab genetic engineering. Second aa jata hai beta. Separation of cut DNA fragments by
ये भी मैं जी ई लिख रही हूं दैट इज ये क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑल्दो आपने किया हुआ है बट फिर भी दोबारा से यहां पे कर लो सेपरेशन ऑफ कट डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज बाय पेज पेज क्या है पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड या और बाय एज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले ध्यान से समझो ये क्या है मैंने करवाया भी है बट दोबारा से बता रही हूँ पॉलीएक्रिलामाइड इज सिंथेटिक हाइड्रोकोलॉइड Hydrocolloid means which absorbs, which retains water. And agarose is agar-agar. It is obtained from cell wall of some red algae. Plus one ka yaad karo. That is, kaun si red algae hai? Such as, gelidium and gracilidium. पॉलीएक्रिलामाइड जो है वो सिंथेटिक है एगारोस जो है इट इज नेचुरल राइट तो इसमें लिख लीजिए दीज जेल प्लेट या दीज सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन व्हेन dissolved in hot water and then cooled comma double helices are formed Double helices are formed, which are arranged laterally. Mom, हाँ जी. मेरा ना बीच में कट हो गया था. दोबारा से मैं बताती हूँ कि agarose. हाँ, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये जो है first point है dissolved in hot water. After cooling, these molecules form double helices, comma, arranged laterally.
and crisscross each other. पहले हम हॉट वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर कूल करेंगे, कूलिंग के बाद ये डबल हेलाइसिस बनाएंगे, जो लेटरली अरेंज्ड है. And form thick filaments. यहाँ पे thick filaments which crisscross each other. Which crisscross each other to form a porous gel. To form a porous gel plate. To form porous gel plate. And size of pores, छोटे हमें दिखते तो नहीं है pores, ऐसे नहीं कि हमें आंखों से, वो तो मतलब सेपरेशन हो रही है तो पोरस ही होंगे, हमें ऐसा नजर नहीं आते पोर्स, बट साइज ऑफ पोर्स डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एगारोस या पॉलीएक्रिलामाइड. आपने पूरा लिखना है, दोबारा पूछोगे पीए क्या है तो मुझे भी नहीं पता चलेगा. पॉलीएक्रिलामाइड. More the concentration, lesser the size. जितनी concentration बढ़ाएंगे pores उतने छोटे होते जाएं. ठीक है? तो अगर हम देखें इस तरह से डबल हेलाइसिस बना दिए, जो कि इस तरह से लेटरली अरेंज्ड है. एंड दे क्रिस क्रॉस विद ईच अदर. और आप देख रहे हो ये पोर्स. सो एक ये जेल प्लेट बन गई. ठीक है, तो ये तो इसके पीछे दिस इज जेल प्लेट का क्या फंक्शन है. उसके बाद दिस इज जो हमें बाहर से दिखेगी, दिस इज जेल प्लेट. कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोड्स, दिस इज एनोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज कैथोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड. कैथोड के पास यहाँ पे क्या है, वेल्स है. दीज आर वेल्स. ये इंजेक्शन है और इससे क्या कोर हो रहा है, दैट इज
DNA solution. In wells में से हम pour कर रहे हैं and electric current हम देते हैं. The DNA fragments being negatively charged moves towards the positively charged electrode according to their size. Smaller segments are moved quickly. इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे प्रोसेस में. ये जेल है, अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से देखो जरा प्रोसेस क्या है. पोरिंग ऑफ डीएनए ऑन जेल प्लेट. एट कैथोड. Current supply. DNA fragments move toward anode. ठीक है, पहले यहां तक लिख लो फिर मैं आगे आपको लिखवाती हूँ. इसी के नीचे एरो डाल के लिख लो. स्मॉलर सेगमेंट्स मूव फास्ट. स्मॉलर सेगमेंट्स मूव फास्टर देन लार्जर सेगमेंट्स. मूव फास्टर देन लार्जर सेगमेंट्स. देयरफोर smaller segments yeah therefore the size of the segments goes on decreasing from cathode to anode. Therefore the size of the fragments goes on decreasing from cathode to anode. नेक्स्ट पॉइंट है द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर देन. इसी के नीचे एरो डाल के लिख लो. द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर देन स्टेन्ड विद अ स्टेन STAIN स्टेन. Ethidium bromide. The DNA fragments are stained with ethidium bromide, followed by exposure to UV radiations, followed by exposure to UV radiations. फिर नीचे एरो डालो. DNA fragments
appear as orange bands. ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें नजर आए, जो ये फ्रेगमेंट्स है ये ऑरेंज कलर की नजर आए. देन डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट और सेपरेटेड फ्रॉम जेल प्लेट by chilled ethanol. पहले हमने लेटस से ये फ्रेगमेंट अलग कर ली है. हम यहाँ से जेल प्लेट को जो है ना इसको क्या करेंगे, इसको काट लेंगे यहाँ से, ठीक है, और फिर चिल्ड इथेनोल में डाल देंगे और हमें एक धागा सा नजर आएगा, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट बाय चिल्ड इथेनोल. And the processes, DNA fragments are cut and separated from gel plate by chilled ethanol, and the process is called as elution. ELUTION. This is called as elution. इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, द स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड इज देन लिंक्ड विद cloning vector to produce recombinant DNA or is from rDNA or chimeric DNA. एक ही बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए और काइमेरिक डीएनए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लोनिंग वेक्टर. नेक्स्ट कम टू थर्ड आ जाता है बच्चे cloning vectors. Cloning vector को हम और क्या कह सकते हैं, vehicle DNA. Cloning vector और vehicle DNA. It takes foreign DNA in host cell, it carries
foreign DNA in host cell. It takes foreign DNA in host cell and helps in the replication of foreign DNA in host cell. ध्यान से पहले मेरी बात सुनो. जो यहाँ पे टर्म्स हमने करनी है, एक मैंने आपको बताई है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? व्हीकल डीएनए जॉइंड विथ फॉरेन डीएनए प्लस, मतलब दोनों ज्वाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाता है? आरडीएनए या कलमेरिक डीएनए. उसके बाद ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या है? द सेल हैविंग फॉरेन डीएनए. जिस सेल में फॉरेन डीएनए डाल दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड. इज इट ओके? ये क्लियर हो गया? ठीक है जी. तो क्लोनिंग वेक्टर्स ये. नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स. ध्यान से पहले सुनो फिर लिखना. सबसे कॉमन क्लोनिंग वैक्टर कौन सा है? दैट इज प्लाज्मिड डीएनए. व्हाई प्लाज्मिड डीएनए? एज इट कैन बी easily isolated from bacterial cell एक तो ये easily हम bacterial cell से इसको निकाल सकते हैं. can carry large fragments of foreign DNA. Then other is bacteriophage DNA. Yeah, hum simple, not only bacteriophage but simple, you know, viral DNA. Then third is BAC. ये सब artificial है, bacterial artificial chromosome. YAC yeast artificial chromosomes. Cosmids, phagemids, etc. These are the types of cloning. Likho jaldi se. एक क्लोनिंग वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? कौन से वायरस का हम डीएनए यूज कर सकते हैं? कौन से प्लाज्मिड, कौन से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हम यूज कर सकते हैं एज क्लोनिंग?
तो सबसे पहले तो जो है बेटा यू नो फर्स्ट है उराई. उराई मीन्स इट इज अ साइट, इट इज ए स्पेसिफिक साइट ऑन डीएनए विच हेल्प्स इन इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. उराई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है. इट इज अ स्पेसिफिक साइट. इट ऑल्सो कंट्रोल्स कॉपी नंबर. कॉपी नंबर है दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स अ डीएनए रेप्लिकेट्स सेम डीएनए मॉलिक्यूल कितनी बार रेप्लिकेट कर सकता है एंड द रेट ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है जी. अब प्लाज्मिड, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं प्लाज्मिड इन सम बैक्टीरिया या हम थोड़ा सा नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स पर बैक्टीरियल सेल मे वेरी फ्रॉम वन टू हंड्रेड. एक से हंड्रेड तक जो है वो प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स पर और यूकेल से नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड्स. नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स या नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड वेरी फ्रॉम वन टू हंड्रेड. देयरफॉर हम क्या कहेंगे डिफरेंट प्लाज्मिड्स हैव डिफरेंट कॉपी नंबर, ठीक है. और यहां पे प्लाज्मिड एज द क्लोनिंग फैक्टर या हम कहेंगे दैट प्लाज्मिड विच हैज हाई कॉपी नंबर शुड बी यूज्ड एज क्लोनिंग फैक्टर. Should be used as cloning vector जिसका copy number high है. Is it okay? इसके साथ ही लिख लो. If we link the foreign DNA, यहाँ पे साथ ही लिख लेना. If we link the foreign DNA with the vector having high copy number,
then foreign DNA will multiply fast. Foreign DNA की हमें बहुत सारी copies मिल सकती है. लिखो पहले ये, फिर मैं और चीज बताता हूँ. So if one wants to, इसी के साथ लिख लो, so if one wants to recover many copies of the target DNA. Target DNA means foreign DNA. Foreign DNA or target DNA. It should be cloned in a vector. It should be cloned in a vector which supports, yeah, whose origin, whose ORI supports, whose ORI supports high copy number. Next point likhiye. Vectors used in genetic engineering. Vectors used in genetic engineering are tailored. Tailored मतलब उसको modify किया जाता है. Are tailored or modified are modified in such a way that it helps easy linking of foreign DNA and there should be easy selection of मैम आप easy linking के बाद repeat कर दो. Easy linking of foreign DNA and easy selection of recombinant DNA from easy selection of recombinant DNA from non-recombinant DNA. ठीक है जी. तो सबसे पहले और एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Foreign DNA is always linked adjacent to ORI of the vector. ORI of the vector DNA. ठीक है जी. तो दोबारा से मैं आपको बता रही हूं कि सबसे पहले तो हमने वो वेक्टर जिसके साथ फॉरेन डीएनए इजीली लिंक हो जाए, दूसरी बात जिसका ओराई हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, और तीसरा जिसको हम इजीली, जब हमने एक ऐसा तो है नहीं कि एक कपड़ा आया उसमें हमने सी दिया कुछ, ऐसा इतना क्लियरली नहीं होता है. हम क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को मिक्सचर बना लेते हैं, उसमें से कुछ ज्वाइन कर जाते हैं कुछ नहीं ज्वाइन करते, मतलब कुछ हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएंगे और कुछ वैसे ही वेक्टर्स पड़े रह जाएंगे, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाएंगे.
तो दोनों को कैसे अलग-अलग किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन में रिकॉम्बिनेंट है, इसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि सिलेक्शन कैसे करते हैं रिकॉम्बिनेंट। और मैंने आपको आरडीएनए बता दिया, आरडीएनए यहां पे क्या मतलब है, व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए कंबाइंड विद द फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट कुछ व्हीकल डीएनए फॉरेन डीएनए से कंबाइन नहीं करते हैं। उन व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए को कैसे पहचानना है फ्रॉम आरडीएनए, दिस वी विल डू नेक्स्ट टाइम, राइट। एंड वन मोर थिंग, कैन एक मिनट,